कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब कैरियर से होंगे। जहाँ रहे कुछ में बात रहे हैं तो जब भी मेरे बहन भाई देश को देश से देख रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। तो जी आज जो है ना, मेरे बेटे ने सुबह सुबह उठे, नाश्ता भी नहीं किया तो सारे लग गए घास लगाने। मैंने बना लिया नाश्ता, मेरा भतीजा भी लग गया, बेटा भी लग गया, बहू भी लग गई। उन्होंने पहले यहाँ से जी मिट्टी जो है ना उसको नरम किया, उसके बाद ये घास लाए थे कल। तो कहने लगे कि अभी ना धूप है तो कल को लगाएंगे, तो कल को आज लगाया। तो जी ये जो फूल दोपहर है ना, ये पहले से लगाइए, देखिए माशाल्लाह से आज इतने फूल निकले, पहले भी निकलते हैं। ये हुसनैन सही जो है ना, ये नहीं छोड़ता। ये देखिए माशाल्लाह से क्यारी बनाई है, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी सारे लग रहे हैं। तो अभी काफ़ी मौसम भी अच्छा हो गया, तो इंशाल्लाह और भी पौधे लाएँगे और लगाएँगे। तो इंशाल्लाह सारे पौधे लगाएंगे, जो जो मेरे दिल में है ना, मैंने ये लगाने हैं तो वो लगाएंगे। तो जी अभी मैं ना पूरा बाहर फेंक के आई हूँ, इधर आ गई बेटा, पाँव नहीं रखना ऊपर, अच्छा अपने पाँव रखना। ये सब्जी मैंने बना ली थी, पालक तो मेरी पहले के फ्रीज में हुई थी, वो बना रही हूँ आज। तो उसमें फरमाइश होगी जी चने की दाल बना पाऊँ, दाल का तो वो बनाओ। तो जी खाना बनाते हैं, बस मैं इंतज़ार कर रही थी गैस का, गैस के लिए अभी आने वाली है। मैंने सोचा पहले मसाला बना, तो मौसम इतना प्यारा हुआ है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर झाड़ू लगाया सारे का सारा, फिर जो है ना पत्ते वगैरह टहनियाँ वगैरह सब इधर चलेगी। चलाओ बेटा अंदर चले, हाँ और अस्सलाम वालेकुम बोला करो, कोको अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम, हाँ चुकी अच्छी जी। तो मैंने ना गैस आ गई थी, तो दाल ना मैंने उबलने के लिए रख दी है, तो ये उबल गई, सारा चूल्हा भी ख़राब हो गया। और मैं ना चूल्हा साफ़ करने लगी तो मेरा जो लहसुन हाथ जल गया, जैसे सारे ये उंगलियाँ जो है ना ये जल गई। तो जी इधर मैं ना लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना रही हूँ। पालक भी मैंने फ्रिज से निकाल कर उसको पानी में डाल कर उसको भी बर्फ़ निकाल लिया, उसकी खुश कर लिया उसको। तो टमाटर भी रख लिए, सब कुछ रख लिया। अभी ये मैं ना कढ़ाई में डालूंगी प्याज वगैरह, तो ये बनाऊंगी। पहले मैंने दाल को अच्छे से गला लेना, तो मैंने सोचा कि पहले ना ये बना लूँ, मसाला तैयार कर लूँ। तो जी मिर्चें मैंने दो कलर की ली हैं, सुरख और सब्ज़। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, सुरख मिर्चें जो पीसी हुई हैं ना वो मैंने कम डाल ली, क्योंकि पालक है तो इसमें ना हरी मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैंने मसाला बना कर ना, तो ये देखें इतना फ्राई इसको कर लिया ना, माशाल्लाह से इसकी ना जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो गई। अच्छा जी मैं डालती हूँ इसमें दाल, दाल अच्छे से गल गई है, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी इसका पानी, और इसको पकने के लिए करूँगी बाद में इसमें डालूंगी मेरा मसाला, सूखा धनिया और हरा धनिया। तो पानी लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी अच्छी बनती है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैंने रोटी बना ली है, तो अभी हमारे आगे मेहमान, कहते हैं मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, तो खाने में भी बरकत आए तो अल्लाह ताला मेहमानों में भी बरकत डाले। तो जी मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब भी कोई मेहमान आए हमारे खाना खाते हुए, तो मुझे अच्छा लगता है। तो जी ये चाट मसाला थोड़ा सा डाल ही मैंने, सलाद बना लिया साथ, मैंने इसमें चेक किया था, मैंने कहा आजकल ना बरसात का मौसम है तो कोई सुसरी वगैरह ना इसमें चले गई हो, तो खुला हो ना पैकेट तो कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाते हैं। तो मैंने ये चेक किया था प्लेट में डाल कर, तो इसके ऊपर डालते हैं और देखते हैं रोटी भी। तो ये थोड़ी सी मैंने अपनी साथ ही रखी, मैंने इसमें नहीं डाला चाटनी डाला। अभी ये देख रहे मैंने आटा अभी गूंदना, क्योंकि अपनी रोटियाँ बनी हैं ना वो तो मेहमानों ने खा जानी है, तो मैंने ना आटा जल्दी से छान लिया। मैंने कहा पहले उनको देते हैं खाना, बाबा जी को भी खाना दे दिया, तो उसमें खाने लगा। मैंने इसमें अभी देसी घी भी डालना था, अभी मुझे जाना पड़ेगा, फिर ये गर्म गर्म मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा, इसका और भी जायका निकल आएगा और भी मज़े की हो जाएगी। चलो ये तीन बंदे हैं, इतने काफ़ी हो गए। और इधर मैंने ना पानी डब्बों में डाल लिया, क्योंकि बोतलें हमारी जो है ना वो काफ़ी इनमें बर्फ़ जम गई थी, तो मैंने पानी डाल कर और ये ठंडा पानी डाल के मिक्स करके ना, तो इधर रख दिया। आज बेटा जी तो माशाल्लाह से जी दोबारा मैंने ये देखे सलाद भी बनाई है और रोटियाँ भी बनाई हैं, ये देखे गर्म गर्म रोटियाँ। तो मेहमानों को तो घी नहीं लगा के थे, वो कह रहे थे हमने नहीं लगाना, तो ये जी मैंने घी लगा लिया जैसी, और यह सूखी रोटी मैंने अपनी रख ली है, तो मैं खा रही थी साथ घी भी लगा रही थी।
तो जिस मेरे बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना वो भी आ सकते हैं। तो दाल पालक का सालन जो है ना बड़ा मजे का बना, अच्छा बना, नमक कम है थोड़ा। नहीं तेज नहीं देना, पहले आप ठीक नहीं है फिर तबीयत और ज्यादा हो जाएगी खराब, जरा वक्त अपनी दस्सी। चिड़िया दाना खा लो, चावल डाले हैं अभी इसको। जी तो खाना वगैरह खा लिया था, चाय भी पी ली, मेहमानों को भी पिला दी। तो जी मौसम भी इतना प्यारा बन रहा है माशाल्लाह से, हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, मज़ा आएगा आज बारिश होने का। तो बच्चे जो हैं ना वो किधर हैं, बच्चे के क्या कर रहे हैं, उनको टी वी लगा कर दिया हुआ, आज वो कार्टून देख रहे हैं। उसके पापा ना एक नई कार्टून वो USB में करवा कर लाए, वो लगा के दी है, वो देख रहे आए तो वो कमरे में नहीं। तो इस टाइम इधर हुसनैन साइड तूफान मचाया होता है, बस वो क्या गाड़ी ले ली और बस इधर 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 इतना सताता है ये तार, रात को ना दो मरतबा इसने उतार दी कल, तो इतना मसला बनता है ये स्विच जो है ना ये ख़राब हो गया। इनको कहा था लेके आओ, वो भी नहीं लेके आए बच्चे। तो जी वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देती हूँ, और जिस मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिए याद, अपना ढेर सारा रखिए ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।